मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। तो आइए सबसे पहले सुनने की सआदत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं, जिस वक्त तुम में से कोई अपने भाई को मिले उसको सलाम कहे, अगर दोनों के दरमियान कोई दरख्त, दीवार या पत्थर हायल हो फिर उसको मिले सलाम कहे। आगाज से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। किसानों की फलाह व बहबूदी के लिए काम करने वाली सरकार, टीआरएस हुकूमत, रियासत तेलंगाना में काश्तकार खुशहाल, रियासती वजीर वेमुला। अमनो सब की बरकरारी और समाज से गैर समाज अनासिर के खात्मे के लिए पुलिस जवानों की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश, पुलिस यौम शोदा तकरीब से सीपी कार्तिकिया। जनाबे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जितनी अजमत, मोहब्बत वो इत्तेबा का जज्बा होगा, वो अल्लाह का सबसे मुकर्रब बंदा कहलाएगा। जमीयतुल उलफास की सीरत नबी कॉन्फ्रेंस से अकाबरी। महकमा जंगलात की अराजी पर काश्त करने वालों के लिए हुकूमत ने सुनाई खुशखबरी, पट्टा जात इजरा किए जाएंगे, रियासती वजीर इंदिरा किरण। अब पेशे खबरों की तफसील। 2005 के कबल से ही जंगलाती जमीनों पर काश्तकारी कर रहे गरीब किसानों को पट्टे दिए जाएंगे, रियासती मनादिर महकमे के वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने खुशखबरी सुनाई। वज़ीर आला केसीआर हर साल मनादिर की तरक्कियात के लिए 100 करोड़ फंड मंजूर करने का इजहार किया। रुद्रोर मंडल अंबम ग्राम पंचायत के सरहदी लक्ष्मापुर कैंप में 25 लाख से तामीर किए जा रहे राम मंदिर का स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, मनादिर महकमे के वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने संगे बुनियाद रखा। इस प्रोग्राम में शिरकत किए मेहमान खसूसियों का गाँव के अवाम ने वालहाना इस्तकबाल किया। स्पीकर पोचाराम ने खवातीन के साथ मिलकर रक्स किया। इसके बाद लगाए गए इजलास में मनादिर महकमे के वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि बांसवाड़ा हल्के के लिए ज़्यादा फंड्स लाने का सहरा स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के सर ही जाता है और 2005 से कबल पोड़ ज़मीनों पर काश्तकारी करने वाले किसानों को बहुत जल्द पट्टे देने का इजहार किया और माजी में कभी ना दिखाई दिए जैसा मनादिर की तरक्यात के लिए 100 करोड़ रुपये मंजूर होने की बात कही। इसके बाद स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर के अहकाम पर जुमेरात के रोज़ से रियासत भर में धान खरीदारी सेंटर्स का आगाज़ हुआ और फसलों की तब्दीली के बारे में हर एक किसान सोचो विचार करने का इजहार किया और फसलों को तब्दील करते हुए ज़्यादा नफ़ा कमाने की ख्वाहिश जाहिर की और बांसवाड़ा हल्के को मिसाली बनाने के लिए लगातार कोशिशें करने की बात कही। बेघर गुरबा को घरों की सहूलियात दिलवाना ही उनका मकसद होने का इजहार किया। इसके लिए तमाम तरह के इकदाम लेने की बात कही और वज़ीर आला केसीआर के ताउन से हल्के में बहबूदी व तरक्यात के लिए ज़रूरियाती फंड्स मंजूर होने पर मसरत जाहिर की। दाटी वारवेश अद्यक्ष वह गौरवनी कांस्टी अभिवृद्धि प्रदाता निजाम सागर यानी देवाली डबुल बेड्रूम इंडला రాధారులు గారి విద్యుత్ శక్తి విషయంలో అన్ని అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు సంక్షేమ కార్యక్రమాలు హైయెస్ట్ గా అత్యధికంగా తీసుకొస్తున్నటువంటి ఈ నియోజకవర్గం బాన్స్వాడ వారి కాన్స్టిట్యూన్స్ కి ప్రాతినిధ్యం వహించడము మీ అందరి అదృష్టంగా భావించాలి। వారు ఈ రోజు కార్యక్రమానికి అధ్యక్షించినటువంటి గౌరవనీయులు శ్రీ పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, అదే విధంగా జిల్లా కలెక్టర్ వారు కూడా ఉత్సవవంతులు బాగా పనిచేసే శక్తి ఉన్నటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి
నారాయణ రెడ్డి గారు, జిల్లా కలెక్టర్ గారు, మరియు మన గ్రామ సర్పంచ్ కె భాగ్య భూషణ్ గారు, అదేవిధంగా ఎంపీపీ సుజాత గారు, జెడ్పీటీసి ఎన్ గంగారాం గారు. లక్ష్మీపూర్ క్యాంపుకు రామాలయ నిర్మాణం కోసం 25 లక్షల రూపాయలు మంజూరు చేసి ఆ మందిర నిర్మాణ శంకుస్థాపన కోసం మనం పిలవగానే మన ఆహ్వానాన్ని మన్నించి హైదరాబాద్కు మీటింగ్కు వెళ్లాల్సి ఉన్నా, రేపు ఇంకో ప్రత్యేకమైనటువంటి మీటింగ్ లో పాల్గొనాల్సి ఉన్నా, నేను మీ అందరి కోరిక మేరకు వారిని లక్ష్మీపూర్ గ్రామస్తులు మీ రావాలని म्यारी धान खरीदारी सेंटर्स पर लाते हुए मुनासिब दाम हासिल करे। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किसानों से ख्वाहिश जाहिर की। एससीआई कवायद के मुताबिक एफएक्यू रखने का मशवरा दिया। रियासती वजीर इमारत और शुरा वेमुला प्रशांत रेड्डी के हाथों बालकोंडा हल्के के वेलपुर मौसे में पीएसीएस के जेर एहतमाम कायम करदा धान खरीदारी मरकज का अफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़यादत तेलंगाना रियासत तरक्की की सिमत गामज़न है। तेलंगाना रियासत भर में ए ग्रेड के धान फी कुंटल 1960 रुपये और बी ग्रेड के धान 1940 रुपये फी कुंटल खरीदारी की जा रही। अपोजिशन कायदीन गैर ज़रूरी हुकूमत को निशाना बना रहे। रियासत के हर छोटे से छोटे देहात में भी आज धान खरीदारी मराकज़ को कायम किया गया, जिसकी मिसाल मुल्क के दूसरी रियासतों से नहीं मिलती। पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र और कर्नाटक में किसानों को फी कुंटल 1200 रुपये अदा किए जा रहे। अपोजिशन पार्टियों के कांग्रेस और बीजेपी कायदीन बताए कि उनके इख्तदार पार्टियों के रियासतों में इस तरह धान खरीदारी मराकज़ क्या कायम किए गए, सवाल किया। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव वाहिद शख्सियत है जो किसानों के लिए किसी भी खतरे से निमटने के लिए तैयार रहते हैं। वो हमेशा किसानों के साथ खड़े हैं। तेलंगाना रियासत में बिला वक्फा 24 घंटे बर्फी की सरबराही, रैतु बंधु, रैतु बीमा जैसी कई एक स्कीमात को रूबे अमल लाया जा रहा, जिससे रास्त फ़ायदा किसानों को हासिल है। ज़िला भर में 467 धान खरीदारी मराकज खोलने का फैसला किया गया। चीफ मिनिस्टर KCR किसानों को इमदादी कीमत दे रहे और किसानों के साथ शाना बशाना खड़े है। किसान अपोजिशन पार्टियों के कायदीन के बातों में ना आए, TRS हुकूमत हमेशा किसानों के साथ रही है। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर, मार्केट कमेटी चेयरमैन के चिन्ना रेड्डी, DCCB वाइस चेयरमैन रमेश रेड्डी, सरपंच राधा, ZPTC, MPTC, MPP, DM सिविल सप्लाई, TRS पार्टी कायदीन और किसानों की कसीर तादाद मौजूद थी। ఢిల్లీకి పోయి 3 రోజులు అక్కడ కూర్చొని అందరు మంత్రుల్ని కలిసి, ప్రధానమంత్రిని కలిసి అందరిని వాళ్ళని ఒప్పించి మళ్ళీ ఇక్కడ కొనుగోలు కేంద్రాలు మొదలు పెట్టినాం. ఈ అవకాశాన్ని మనం దుర్వినియోగం కానివ్వద్దు. ఎవరి రాజకీయాల భ్రమల్లో మనం పడద్దు. దయచేసి తద్వారా నష్టపోయేది రైతులే అని చెప్పి నేను చేతులు జోడించి మనవి చేస్తా ఉన్నా. క్లీన్ ధాన్యం తెండి, FCI నిబంధనలకు అనుగుణంగా మీరు వరి ధాన్యాన్ని తీసుకురండి, తాళు లేకుండా తీసుకురండి, మొత్తంకు మొత్తం 1120 రూపాయలు మద్దతు ధర తీసుకొని పొండి. ఎవ్వరు కూడా తరుగు తీయరు, కానీ మీరే తాలుతోటి కూడినటువంటి ధాన్యాన్ని తీసుకొస్తే నాకు కూడా మాట్లాడే అవకాశం ఉండదు, నా ముఖం కూడా నల్లగైతుంది. కాబట్టి మరొకసారి నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా, గుంట నక్కల్లా కాచుకొని కూర్చున్నటువంటి ఈ రాజకీయ నాయకుల భ్రమలో పడద్దు. ప్రభుత్వం మీతో ఉన్నది, ప్రభుత్వం మీకోసమే కొనుగోలు కేంద్రాలు తెచ్చింది. पुलिस शोहदा की मिसाल लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए, पुलिस कमिश्नर कार्तिकिया का बयान। मुआशरे में अमनो जब्त की हिफाजत करने पर तरक्यात मुमकिन होने की CP ने इजहार किया। शहर के पुलिस परेड ग्राउंड में यौमे पुलिस शोहदा प्रोग्राम लगाया गया। अभी तक अपनी खिदमत अंजाम देते हुए
अपनी जानों की कुर्बानियां दिए। पुलिस शोधा को भारी पैमाने पर खराज अकीदत पेश की गई। मेहमान खसूसी के हिस्से से शिरकत किए सीपी कार्तिकिया ने कहा कि अपनी खिदमत में मुल्क के लिए और रियासत के लिए पुलिस मुलाजमीन अपनी कीमती जानों की कुर्बानियां देने से 21 अक्टूबर को उनकी याद में शोहदा यौम मनाने का एहसार किया और माशरे में अमन अमान को बरकरार रखने के लिए पुलिस अहदेदार व पुलिस मुलाजमीन 24 घंटे कोशिशें करने की बात कही और हर एक मामले में पुलिस मुलाजमीन सफ़े अव्वल पर होने का एहसार किया। पुलिस जवान अपनी जानों की भी परवाह ना करते हुए खिदमत अंजाम देने से अमनो जब्त काबू में होने की बात कही और पुलिस शोहदा की याद में हर साल ताजियती प्रोग्राम भारी पैमाने पर लगाने की अशा जरूरत होने की सीपी ने बात बताई और हर एक पुलिस अपनी खिदमत के लिए आगे बढ़ता है। 21 अक्टूबर 1959 को अपनी खिदमत अंजाम देते हुए 10 सीआरपीएफ जवानों ने अपनी जानें कुर्बान की। तब से हर साल यौम शोहदा मनाने का इजहार किया। इसके बाद एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा ने कहा कि शोहदा की मिसाल लेते हुए हर कोई आगे बढ़े और माशरे की तरक्यात व बहबूदी इसकी मात से इस्तेफादा हासिल करने के लिए अमन जब्त की बरकरारी ज़रूरी होने की बात बताई और अपनी खिदमत अंजाम देते हुए शहीद हुए पुलिस जवानों को खराज अकीदत पेश की। यूनिफॉर्म वैसे वालू खाकी वैसे वालू अभी स्टेट पुलिस कावच्छ सिविल पुलिस कावच्छ बटालियन कावच्छ सीआरपीएफ बीएसएफ आईटीबीपी एसएसबी ऑल विंग्स ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट वेदर स्टेट पुलिस और सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन संवसरा 365 डेज प्रतिरोजू వాళ్ళు సమయం ఇస్తారు శక్తి ఇస్తారు నిబద్ధత ఇస్తారు అవసరమైతే ప్రాణం కూడా ఇస్తారు సో నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ప్రాణం అంటే బిగ్గెస్ట్ సాక్రిఫైస్ ప్రాణం కంటే ఇంకా పెద్ద త్యాగం ఏమి లేదు సో ఈ రోజు మాకు ఒక చిన్న అవకాశం ఉన్నది 21st రోజు నీడ్స్ టు బి కంగ్రాట్యులేటెడ్ టుడే థాంక్డ్ టుడే ఫ్రమ్ ది బాటమ్ ఆఫ్ ది వి ఆర్ ఏబుల్ టు పీస్ఫుల్లీ స్లీప్ ఇన్ అవర్ హోమ్స్ ఓన్లీ బికాజ్ మీ ఫ్యామిలీస్ ఆర్ contribution chala untundi they are able to support us because you are able to peacefully work in the field so remembering and thanking all of them also that is the reason that we are celebrating today and finally telangana police is one of the most techno advanced police in the country so be it in form of cctv cameras be it in form of usage of cctns manam chala mundu unnamu So this is to celebrate and this is to thank again to the administration of the police department as well as the civil administration that manamandaramu we can continue to himmat wo azm aur koshishon ka dusra naam hi police hai Dichpali 7 battalion commandant Satya Srinivas Rao ka bayan amno zabt ki hifazat mein unke battalion ke 11 mulazimin shaheed hone par yaume police shohada ke mauke par khiraj aqeedat pesh ki डिचपली में वाकई 7 बटालियन में यौमे पुलिस शोधा भारी पैमाने पर मनाया गया। कमांडेंट सत्या श्रीनिवास राव एडिशनल कमांडेंट असिस्टेंट कमांडेंट वेंकटेश्वरलु भास्कर राव ने शोधा स्तूप के पास गुलदस्ते रखते हुए भारी पैमाने पर खराज अकीदत पेश की। इसके बाद कमांडेंट सत्या श्रीनिवास राव ने अपनी खिदमत में मुल्क की हिफाजत व अवाम की हिफाजत में पुलिस का किरदार अहम होने का इजहार किया और अपनी खिदमत में घड़ियों की सुइयों की तरह 24 घंटे रात व दिन खिदमत अंजाम देने की बात कही और 21 अक्टूबर 1959 चीन की जानिब से दरअंदाजी करने वालों की रोकथाम करते हुए चीन के फौजियों के हाथों 10 पीआरएफ जवानों ने अपनी जानों को कुर्बान करने की याद दहानी की और उनके कुर्बानियों की याद में हर साल 21 अक्टूबर को यौम शोहदा मनाने का इजहार किया और शोहदा के खानदानों से गहरा मलाल जाहिर करते हुए हमेशा उन्हें सहारा देने का भरोसा दिया। इस प्रोग्राम में आरआईस वेंकटेश्वरलु नरेश बाबूराव श्यामराव शोहदा के खानदान व बटालियन मुलाजमीन ने शिरकत की। దానికి పట్టుదల కావాలి ఇవన్నీ చేయాలంటే ఒక గొప్ప నమ్మకం ఉండాలి ఈ లక్షణాలన్నీ పోలీస్ హృదయంలో ఒక చోట చేరతాయి కాబట్టి దేశ రక్షణ ప్రజా రక్షణ కోసం గడియారంలోని ముల్లుల రెయిన్బౌళ్ళు శ్రమిస్తూ ఎన్నో సమస్యలు వచ్చినా ఎన్నో అవరోధాలు ఏర్పడినా ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి బాధ్యతాయుతంగా నిస్వార్థంగా విధులు నిర్వహిస్తూ సంఘ విద్రోహల దుచ్చర్యలకు మూలంగా తమ అమూల్యమైనటువంటి నిండు నూరేళ్ల జీవితాన్ని
దేశ రక్షణకై ప్రాణ రక్షణకై అంకితం చేస్తున్నారు. మనం గుర్తు చేసుకోవడం కోసము మరియు రాజ్యాంగ రక్షణ ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ సమాజ శ్రేయస్సులకు అహర్నిశలు కర్తవ్యాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉగ్రవాద తీవ్రవాద చర్యలను ఎదుర్కొంటూ సంఘ విద్రోహ శక్తుల నుండి పౌరుల ధన మాన ప్రాణ రక్షణ కోసం పోరాటం చేస్తూ ప్రతి సంవత్సరము అమరులైనటువంటి పోలీసు వీరుల అమరత్వానికి చిహ్నంగా అక్టోబర్ 21వ తేదీని అమరవీరుల పోలీసు అమర పోలీసుల సంస్మరణ దినముగా वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने परायों का गम खाने वाला, सलाम उस पर जो भूखों को खिलाए, सलाम उस पर जो रोतों को हंसाए, सलाम उस पर जो बिछड़ों को मिलाए, सलाम उस पर जो गिरतों को उठाए, जिसके दिल में जनाब रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए जितनी अजमत मोहब्बत और इत्तेबा का जज्बा होगा वो उतना ही अल्लाह का मुखर्रिब कहलाएगा। तेलंगाना जमीयतुल इफ़ास के ज़ेरे एहतमाम माह रबीउल अव्वल की निस्बत से सीरतुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का एहतमाम मुफ्ती सईद अकबर इमाम खतीब जामा मस्जिद समेत अकाबरीन के खिताबात। शहर के एक प्राइवेट फंक्शन हॉल में तेलंगाना जमीयतुल इफ़ास वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से सीरतुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। ये सीरतुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद अकबर दामत बरकातहुम की सदारत और मौलाना मोहम्मद इस्माइल आरफी साहब सदर हज सोसाइटी निज़ामाबाद की निगरानी में मुनक़िद हुई, जिसमें तमामी मसालिक के उल्मा व अकाबरी ने शिरकत की और जनाबी रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को बयान किया। अकाबरीन ने अपने खिताब में कहा कि सरकारी दुआलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सारे इंसानों के लिए रहमतुल आलमीन बनाकर भेजे गए। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इंसानों को इंसानियत का दर्स दिया। अल्लाह के बाद सबसे बड़ी हस्ती हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की है, जिसके दिल में सरकारी दुआलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए जितनी अजमत मोहब्बत और इत्तेबा का जज्बा होगा वो उतना ही अल्लाह का मुखरिब कहलाएगा। मेहमानान का इस्तकबाल सदर तेलंगाना जमीयतुल हुफ्फाज वेलफेयर सोसाइटी हाफिज सैयद वाजिद नवाज ने की। वो दानाए सुबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिये सीना, निगाहे इश्को मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। तेलंगाना जमीयतुल हुफ्फाज वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम सीरत तय्यबा कॉन्फ्रेंस में हम सब जमा हैं। अभी हज़रत मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर साहब ने इस सोसाइटी के अगराज व मकासिद को मुख्तसर अंदाज में पेश फरमाया है, तो इसकी मुनासबत से हमारे जिन अकाबिर बुज़ुर्ग उलमा ने और जिन्होंने भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पहलू से खिराज तहसीन पेश किया है, तो मैं भी मुनासिब समझता हूँ कि चंद नमूने आपके गोशे गुजार करूँ और यही समझो कि हमारी सीरत तय्यबा सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कॉन्फ्रेंस का खुलासा और पैगाम है। हमारे बुज़ुर्ग आलिम दीन हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूदुल हसन गंगोई रहमतुल्लाह अलैह ने इन अल्फाज में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिराज तहसीन पेश किया था। सलाम उस पर जो भूखों को खिलाए, सलाम उस पर जो रोतों को हंसाए, सलाम उस पर जो बिछड़ों को मिलाए, सलाम उस पर जो गिरतों को उठाए, सलाम उस पर जो
जो उजड़ों को बसाए, सलाम उस पर जो गालियां सुनकर भी दुआएं दे। और ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली मरहूम ने कहा था, वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने परायों का गम खाने वाला, फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, ग़ुलामों का मौला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और इस नुस्खे कीमिया साथ लाया। और एक हिंदू शायर हरिचंद अख्तर ने कहा था, बहुत माना खैर जुमला उन्होंने कहा है, शेर कहा है, किसकी हिकमत ने किया यतीमों को दुर्रे यतीम। ये हरिचंद अख्तर लिखते हैं, किसकी हिकमत ने किया यतीमों को दुर्रे यतीम, गुलामों को जमाने भर का मौला कर दिया, आदमियत का घर सामा मुहैया कर दिया, एक अरब में आदमी का बोलबाला कर दिया। तो गैर मुस्लिम शुआरा ने भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिराज तहसीन पेश किया। मेरा और आपका, पूरी दुनिया के मुसलमानों का सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के साथ इंतहाई बालिहाना इश्क व मोहब्बत है, ताल्लुक़ है। ये मोहब्बत ताल्लुक़ ही हम सब की कामयाबी व कामरानी का सर चश्मा है। जिसके दिल में जितनी अजमत होगी, मोहब्बत होगी, इत्तेबा का जज्बा होगा, वो उतना ही अल्लाह का मुकर्रब कहलाएगा। अल्लाह करे कि हमारा ये जलसा, हमारी ये कॉन्फ्रेंस, इसके लिए खर्च करना, इसके लिए जो तगो दगो की गई है, अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए और हम सब के लिए मग़फ़िरत का सामान हो जाए। उलमा ने लिखा है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम मुसलमानों पर बहुत सारे हुकूक हैं, लेकिन इजमाली तौर पर तीन हुकूक तो ऐसे हैं जिनको अदा करना लाजिम और ज़रूरी है। एक तो अजमत, दूसरे मोहब्बत, तीसरा इत्तिबा। अजमत का मतलब कि हमारे दिलों में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ाई, के इस कायनात में अल्लाह के बाद सबसे बड़ी हस्ती हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिल में एतिकाद को पैदा करना, अजमत को पैदा करना ज़रूरी, उसके बगैर ईमान नसीब नहीं होगा। यहाँ लेंगे नाज़रीन एक मुख्तसर सा वक्फा। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन, जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदीन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियां बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन, फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, लतीफ बाजार, हतई गली, निजामाबाद, सेल नंबर 8897811836। मोहतरमा खमर जहां खानदानी माहिर अमराज, हमारे यहां खवातीन के तमाम पोशीदा अमराज का हल मौजूद है। खवातीन के मसाइल, औलाद का ना होना, हमल का ना ठहरना, 2 या 3 माह का हमल गिर जाना, औरतों में सफेद कपड़ा और सुर्ख कपड़े का निकलना, औरतों में बच्चादानी के मसाइल, नोट, 2 दिन की दवाई मुफ्त दी जाएगी, फीस सिर्फ 51 रुपये। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त कायम करें 7895222338। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाले, बढ़ेंगे मजीद खबरों की जानी। तेलंगाना वजीर आला, ज़राती शोबे को ज्यादा अहमियत देने से काश्तकारी में भारी तौसी हुई, स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। बीजेपी इख्तदारी रियासतों में धान के किसानों को मुनासिब दाम ना मिलने से तेलंगाना में फरोख्त करने के लिए आमदा होने का इजहार किया। वन्नी मंडल के पुराने वन्नी कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत जुमेरात के रोज धान खरीदारी सेंटर का स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने आगाज किया। इस मौके पर स्पीकर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि किसानों को मुनासिब दाम देने के लिए ही धान खरीदारी सेंटर्स कायम किए जा रहे,
और राइस मिलर्स किसानों को दुश्वारियों में मुब्तला ना करते हुए रियासती हुकूमत ये लगाए गए ग्रेड ए धान के लिए 1960 रुपये और ग्रेड बी धान के लिए 1940 रुपये अदा करने का मशवरा किया। मरकजी हुकूमत धान की खरीदारी के लिए इनकार करने पर भी वज़ीर आला KCR मरकजी वजीर से मुलाकात करते हुए खरीदारी के लिए मनवाने का इज़हार किया। इसीलिए रियासत भर में धान खरीदारी सेंटर्स का आगाज करने की बात कही और किसान हुकूमत कायम की धान खरीदारी सेंटर्स में ही अपनी धान फरोख्त करते हुए मुनासिब दाम हासिल करें और BJP इख्तदारी रियासतें केरला व कर्नाटक में मुनासिब दाम ना मिलने से इन रियासतों के किसान अपनी धान तेलंगाना में लाकर फरोख्त कर रहे। तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद मुफ्त बरखी रायतु बंधु काश्तकारी पानी किसानों को देने से ही रियासत में फसलों की तौसी होने की बात कही और तेलंगाना रियासत में धान की फसलों को ज़्यादा उगाने से खरीदारी में दुश्वारियां पैदा हो रही। इस बारे में किसान फसलों को तब्दील करने के बारे में सोच विचार करने का मशवरा दिया। मन धान्यम बिह्यम आड़ तरह वाल प्रति संवर काल के मेड़क मेड़के काल के मोड़ केन्द्र प्रभुत्व मे दुड रकल को FCI धाको अभी व्यतिरेक माटाते मुख्यमंत्री गारे ढिल्ली की वेली अगर मंत्रीगार रूम रोज कल बतिमलाकोनी आईना वार्पी मुख्यमंत्री गार निर्णय मोहन मीटिंग हैदराबाद को केन्द्र पेटकते వ్యాపారస్తులు వారి లాభాల కోసం ప్రతిరోజు ధర తగ్గిస్తూ ఉంటారు. ధర తగ్గకుండా ఉండాలి, రైతుకు నష్టం జరగదు ఉద్దేశంతో ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశం ప్రకారంగా ఈ రాష్ట్రంలో 6635 గత సంవత్సరం మాదిరిగానే కొనుగోలు కేంద్రాలు కూడా ఏర్పాటు చేసి 1960 రూపాయలు ఏ గ్రేడు 1940 तेलंगाना अवाम के दरीना ख्वाबों की तकमील के लिए अवामी कैद KCR है। शिफाफ हुकुमरानी से अवाम के दिलों में घर बना लिया। DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी का बयान। TRS प्लेनरी वो कामयाबी गूंज इजलास में पार्टी खैरख्वाह शिरकत करते हुए कामयाब बनाने की तरकीब दी। TRS वर्किंग प्रेसिडेंट वजीर KTR की तरकीब पर बांसवाड़ा हल्का सतही व मंडल सतही अवामी नुमाइंदों व दीगर अहम कायदीन से DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने इजलास मुनाकिद किया और नसरुल्लाबाद मंडल मुस्तकर की अवामी नुमाइंदों व कायदीन का इजलास लगाते हुए मुख्तलिफ मौजूदात पर कायदीन से बातचीत की। इस माह की 25 तारीख को लगाए जा रहे TRS प्लेनरी और नवम्बर 15 तारीख को लगाए जा रहे दो दहाई इजलास के मुतालिका पार्टी खैर ख्वाहों से बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 25 तारीख को लगाए जा रहे पार्टी प्लेनरी में शिरकत करने वाले अवामी नुमाइंदों को दावतनामा दिया जा रहा और दावतनामा मिलने वाले ही शिरकत करने और 15 तारीख को लगाए जा रहे वरंगल तेलंगाना कामयाबी की गूंज इजलास के लिए अभी से ही जरूरियाती इंतजाम करने का इजहार किया। इस माह की 27 तारीख को लगाए जा रहे हल्का सतह इजलासों से कबल देही व मंडल सतह इजलासों को मुकम्मल करने की बात कही और 15 तारीख को वरंगल में लगाए जा रहे इजलास में हर एक देहात से कसीर तादाद में कारकुनान शिरकत करते हुए इजलास को कामयाब बनाने की ख्वाहिश जाहिर की। इस प्रोग्राम में मंडल TRS सदर P श्रीनिवास, अंजी रेड्डी, MPP विठल, मंडल सेक्रेटरी मोहन, कॉप्शन मेंबर और AMC सदर व दीगर ने शिरकत की। ఆ కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్ కానీ షాదుమారం చెక్ కానీ ఇస్తే అది ఏంటంటే పక్కనున్న వాళ్ళకు కూడా అర్థమవుతుంది ప్రభుత్వము ఏ రకంగా ఆదుకుంటుందనేది అందరికి తెలుస్తుంది. కాబట్టి దయచేసి మనం మీటింగ్స్ పెట్టుకోకుండా మీరు ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళాలని చెప్పేసి ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఎన్నో కార్యక్రమాలు ఈరోజు ఎన్నో చేస్తున్నాం కానీ ఇంకా పూర్తి స్థాయిలో కింది లెవెల్ వరకు పోతలేదు. అది కింది లెవెల్ వరకు వెళ్ళాలి అంటే గ్రామస్థాయిలో ప్రతి ఇంటి ఇంటికి వెళ్ళాలి అంటే మనము వాళ్ళ ఇళ్ళకి వెళ్ళి మన ప్రభుత్వము మనకి ఇంకా ఎలక్షన్ రావడానికి ఇంకా 2 సంవత్సరాలు ఉంది కాబట్టి అంతలోపు ప్రతి గ్రామంలో మన ముఖ్య నాయకులు ఎవరైతున్నారో గ్రామ ముఖ్య నాయకులు ఎవరైతున్నారో
अमनो अमान को बरकरार रखने के लिए पुलिस जवानों का किरदार नाकाबिले फरामोश। डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी का बयान, अवाम की हिफाजत में अपनी जानों की कुर्बानियां दिए पुलिस शोहदा की कुर्बानियां यादगार बनने की सताइश की। यौमे पुलिस शोहदा के मौके पर लाइन्स क्लब ऑफ बिरकुर व पुलिस स्टेशन बिरकुर के तहत खून का अतिया कैंप लगाया गया। इस कैंप का डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अपनी खिदमात में पुलिस जवान काफी दिलेरी दिखाते हुए अवाम के जानों की हिफाजत करते हैं और अवाम की हिफाजत के लिए लगातार कोशिशें करने का इजहार किया और अपनी खिदमात अंजाम देते हुए अपनी जानों को कुर्बान किए पुलिस शोहदा को उन्होंने भारी पैमाने पर ताजियत पेश की। किसानों की बहबूदी में तेलंगाना दर्जे अव्वल पर आया दरपली ZPTC बाजरेड्डी जगन का बयान। बीजेपी सरकार धान की खरीदारी के लिए पाबंदी आयद करने पर वज़ीर आला KCR रियासत के हर एक देहात में धान खरीदारी सेंटर्स कायम करते हुए धान की वसूली करने का मुतालबा किया। दरपली मंडल परिषद ऑफिस में कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक चेकों का तकसीमती प्रोग्राम लगाया गया। इस प्रोग्राम में दरपली ZPTC बाजरेड्डी जगन ने मेहमान खसूसी के हिस्से से शिरकत करने पर मुकामी तहसीलदार जयंत रेड्डी ने गुलहाय पेश करते हुए उनका खैर मकदम किया। इसके बाद 34 उम्मीदवारों में चेकों की तकसीमात की। चेक हासिल किए उम्मीदवारों ने मसरत जाहिर की और इस CM KCR व रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन और ZPTC जगन का इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर ZPTC जगन ने रियासती हुकूमत की बहबूदी स्कीमात के बारे में अवाम को मालूमात दी। तेलंगाना सरकार किसानों की हुकूमत होने और किसान किसी भी तरह की बौखलाहट में मुब्तला ना होने का इजहार किया और BJP इख्तदारी रियासतों में इस जगह की हुकूमतें किसानों से धान की खरीदारी नहीं कर रही मगर वज़ीर आला KCR तेलंगाना में किसानों के आखिरी बीज तक खरीदारी करने की बात कही और कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक स्कीम गरीब लड़कियों के लिए नेमत साबित हो रही उनकी शादियों में अहम साबित होने की निशानदेही की। इस प्रोग्राम में MPP नल्ला सारिका, वाइस MPP के नवीन रेड्डी, TRS मंडल सदर महिपाल यादव, दरपली सरपंच आरमूर पी बालराज, सोसाइटी चेयरमैन MPTC व दिगर ने शिरकत की। నానే కిందనో లేకపోతే అక్కడ కుప్పల దగ్గరనో పడుకుంటుండే మనం గుర్తుందా ఇప్పుడు అక్కడ లేదు ప్రభుత్వమే మన పొలం దగ్గరకు వచ్చి వడ్లు కొట్టుంది ఉంటుందా లేదా ఎక్కడ కూడా లేదు మనం 1900 రూపాయలు ఇస్తున్నాం 1960 రూపాయలు ఇస్తున్నాం అదే పక్కన కర్ణాటకలో 1200 రూపాయలు ఇస్తున్నాం ప్రైవేట్ అట్లా మన KCR గారు ఇంత కష్టమైన దేశం మొత్తం ప్రాబ్లం ఉన్నా దేశం మొత్తం కరోనా వచ్చి మనుషులు చచ్చిపోతున్నారు కూడా మన దగ్గర పెళ్లి చేసుకుంటే 100,000 రూపాయలు ఇచ్చారు ఎవరు ఇచ్చారు ఎవ్వరు ఇవ్వరు ఏం జరిగినా మనకు మన తెలంగాణకు మన KCRే శ్రీరామరక్ష। మున్సిపల్ మజ్దూరుల కే మసైల్ కి ఎక్ సుయి వో కామ్ కే బోజ్ కో కమ్ కర్నే కి AITUC నే హుకుమత్ సే క్వైష్ సాహిర్ కి కాంట్రాక్ట్ వో అవుట్సోర్సింగ్ మజ్దూరుల కో తన్ఖ్వాహో కే అలావా PF ESI की सहूलियत देने का मुतालबा किया। म्यूनसिपल मुलाजमीन के मसाइल की एक्सवी के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सामने AITUC के तहत धरना मुनसम किया गया। इसके बाद म्यूनसिपल कमिश्नर चित्रा मिश्रा को मकतूब पेश किया गया। इस मौके पर AITUC जिला सदर उमैया ने कहा कि सफाई मजदूरों को ढकेल बंडी औसार और झाड़ुओं को देते हुए उनके कपड़ों की सिलाई मजदूरी भी देने के अलावा साबुन चप्पल और दिगर अशिया तकसीम करने का इशार किया और मजदूरों पर काम का बोझ बढ़ चुका है। म्यूनसिपल अहदेदार सब्रो तहमुल से उनसे काम लेने की अपील की और जियो नंबर 60 के मुताबिक आउटसोर्सिंग व कॉन्ट्रैक्ट मजदूरों को तनख्वाहें देने की बात बताई। नए मुंतखब किए 330 मजदूरों को काम के औजार देते हुए PF ESI की सहूलियात देने की ख्वाहिश जाहिर की। इस धरने में यूनियन सेक्रेटरी नरसिंह राव, जिला सदर पी सुधाकर, खायदीन राजन्ना, चिन्ना गंगाराम व दिगर ने शिरकत की। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। किसानों की फलाह व बहबूदी के लिए काम करने वाली सरकार TRS हुकूमत, रियासत तेलंगाना में काश्तकार खुशहाल, रियासती वजीर वेमुला।
अमनो सबकी बरकरारी और समाज से गैर समाज अनासिर के खात्मे के लिए पुलिस जवानों की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश। पुलिस यौम शोदा तकरीब से सीपी कार्तिकिया। जनाब रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जितनी अजमत मोहब्बत वो इत्तेबा का जज्बा होगा वो अल्लाह का सबसे मुकर्रब बंदा कहलाएगा। जमीतुल उफास की सीरत नबी कॉन्फ्रेंस से अकाबरी। से महकमा जंगलात की अराजी पर काश्त करने वालों के लिए हुकूमत ने सुनाई खुशखबरी। पट्टा जात इजरा किए जाएंगे। रियासती वजीर इंदिरा किरण। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहे प्रवास टीवी। अब दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।